नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, कक्षा 8वीं की विज्ञान देख रहे हैं। ये विज्ञान का अभी तक हम लोग 17 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 18वां चैप्टर है और विज्ञान का लास्ट वाला चैप्टर क्या है, लास्ट चैप्टर है। इसे कवर करने के बाद हम लोगों ने कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की सभी बुक्स जो हमारे लिए जरूरी थी देख चुके हैं। कल से हम लोग कक्षा 9वीं की बुक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी हमें बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और उन्हें भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए 18वां चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। याद रखिए, इसे बड़े धैर्य के साथ सुनिए। लास्ट में जो भी निष्कर्ष होता है बता दिया जाता है इसका। वायु तथा जल का प्रदूषण, पहेली और बूझो यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्य यानी कि अजूबों में से एक है। परंतु यह सुनकर भी दुखी भी थे कि सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र के वायु प्रदूषण से खतरा है। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते हैं जो उनके समय में उपलब्ध थे। जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व के बारे में समझ लिया है। इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाले हानिकारक परिवर्तन, हमारे जीवन पर इसके प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण, हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग आपका 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% 21% आपका ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मैथेन, जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। क्रियाकलाप 18.1, आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी। अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए। उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, दिन में विभिन्न समय पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल, शाम के समय भीड़ वाला चौराहा, गांव तथा शहर, शहर की देख लीजिए, शहरी की भीड़ भाड़ वाली सड़क। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपको यह प्रेक्षण भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया हो? इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकलते हुए धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। बात करते हैं वायु कैसे प्रदूषित होती है। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र,
स्वचालित वाहन निर्वातक, जलावन लकड़ी, उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 18.2। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में शोषण समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। शोषण समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं, इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों तथा पड़ोस पार पास पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण कीजिए। बहुत सी शोषण समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक आपकी विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहन वाहक क्षमता को घटा देती है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। देखिए किस तरह से ट्रक धुआं छोड़ता जाता है। क्या आप जानते हैं कि यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के बाद एक लाइन में खड़ा कर दें तो यह संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियों नील और अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। बुजों को विशेषतया सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के सहयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे आपका दमा हो गया, खांसी हो गई, बच्चों में सांस के साथ हर हरावट होती है उत्पन्न होती है हो जाती है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करण शालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। आपने अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन के जलाने के विषय में पढ़ लिया है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानी कि CFC जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि CFC के स्थान पर अब हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा। CFC के जगह पर अब कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करने लगे। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृष्टता को घटा देते हैं। सांस लेने पर शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। एकड़ इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक उपक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। विशिष्ट अध्ययन ताजमहल पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों द्वारा को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी कि वायु प्रदूषक उसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषक द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते किंतु भवन स्मारक प्रतिमाएं जैसे निजी वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ परिक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन
विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे। ये गैसें हैं वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के कारण साथ साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण इस मार्ग के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण से जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय दिए। माननीय न्यायालय द्वारा ये आपका देख लीजिए, यहीं से ताजमहल के दर्शन कर लीजिए। न्यायालय द्वारा उद्योगों को सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी जैविक पेट्रोलियम गैस जैसे ईंधन स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके यह देखिए कि वे अब से 20 तथा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं। अपनी कतरन पुस्तिका के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं पौधा घर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग आपके परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाते हैं। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला यानी कि नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधाघर को देखा हो तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधाघर में प्रवेश तो कर सकती है, कर जाती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधाघर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस विक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब यह विक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उत्तरदायी है। आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं, परंतु यदि वायु वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भांति कार्य करती है। क्या आप पहेली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं? एक ओर तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे विकास संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं जिससे कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। वन उन्मूलन यानी कि वनों के खत्म के कारण होने के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। वायु परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मैथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO2 की भांति ने भी पौधा घर गैसें कहते हैं। विश्व उष्ण एक गंभीर संकट। विश्व उष्ण के कारण समुद्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न यानी कि जल से डूब जाएंगे। विश्व उष्ण के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरोध कृषि वन पौधे जंतुओं पर हो सकते हैं।
ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णता से आशंकित हैं, तो रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधागत गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत कयोटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है, जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। बूझो को यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहली से यह बताती है उसे यह बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने यह पढ़ा था कि हिमाचल हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं। क्या किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था, या पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घुट्टू यानी कि श्वास रोधी वातावरण था। वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत क्या है शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई है। आप भी बहुत कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इन उदाहरणों की चर्चा अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। क्या आप विद्यालय में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिष्कार करिए के विषय में जानते हैं? इस अभियान में दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर में काफी अंतर ला दिया। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटर किया जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर विकल्प ईंधन को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो सकते हैं। क्रियाकलाप 18.4। विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प हैं, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी करके। इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। हमें पेड़ वृक्ष लगा कर सकते हैं, पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं, जब जुलाई माह में प्रति वर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं? लेकिन क्या है हमारी समस्या कि एक सबसे ज्यादा मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, ये शब्द ज्यादा आता है कि हर कोई यही सोचता है कि मेरे करने से अकेला। मैं मानता हूं कि जो स्वच्छ भारत अभियान चलाता है, इसके सफल होने का कारण नीचे के तबके से लेकर ऊपर के तबके तक सभी इंसान बराबर हकदार हैं। ठीक है, नीचे के तबके को मैं ज्यादा मानता हूँ जिम्मेदार, क्योंकि उन्हीं ने साथ दिया, इसलिए इसे हम लोग सफल बना पाए। बूझो तथा पहेली एक बार ऐसे स्थान से गुजरे जहां कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे। उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो इन्हें कंपोस्ट पिट में डालना हो सकता है। क्या आप जान सोच सकते हैं? जल प्रदूषण। कक्षा 7वीं में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है।
हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि लोगों तथा कृषि में उपयोग के लिए एक कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदला हो जाता है। इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उनकी गुणवत्ता को कम करके उनके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषक हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रदूषक कहते हैं। जल कैसे प्रदूषित हो जाता है? विशिष्ट अध्ययन। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांशतः उत्तर केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। देखिए, यह आपकी गंगा, ये गौमुख से निकल रही गंगोत्री, हरिद्वार, नई दिल्ली का हरिद्वार उत्तर प्रदेश में, कानपुर, नई दिल्ली में तो यमुना नदी बहती है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, वाराणसी, पटना या कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, या आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है। हाँ, करोड़ों व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर है, परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों में से होकर यह नदी प्रवाहित यानी कि गुजरती है, वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृद्वीज तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलजीव जीवित नहीं रह पाते, वहां यह नदी निर्जीव हो गई है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा परियोजना, गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। याद रखना, गंगा कार्य परियोजना आपकी 1985 में चालू की गई थी, परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचा दी। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। अब देखते हैं कब तक कार्य प्रगति पर रहता है। स्थिति को भली भांति समझने के एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। देखिए, गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव, नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट, नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते, मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे नदियों में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री तथा जैव अनिमनीकरण पॉलीथिन की थैलियां फेंकते हैं। कानपुर में नदी की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5,000 से अधिक औद्योगिक इकाई हैं। इनमें से उर्वरक, अपमार्जक, चरम तथा प्रेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्ट का नदी में विसर्जन करती हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करते हैं? बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रभावित करते हैं। इसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करण शालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें तथा रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं में आवश्यक विषता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए। इनके अनुसार उद्योगों को
अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु अपर्याप्त इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता, कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। हमने अध्याय एक में यह देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी तथा अपतृणनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भी भौम जल को प्रदूषित करते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से दिखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेटों जैसी रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। आपने कक्षा 7वीं में अपने चित्त में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जांच की थी। क्या आपको याद है कि आपके घर से भी वाहित मल कैसे एकत्रित किया गया था, फिर वह कहाँ गया था? कभी-कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जित सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिनसे हैजा, म्यादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। अब देखिए, आपका इलाहाबाद का कुछ पहले बहुत हिस्सा एक बहुत बड़ा गंदा पानी डायरेक्ट गंगा में मिल जाता था। ऐसे ही पटना, आपका कानपुर का अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा है। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इनका इसका यह अर्थ है कि वह जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं, गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्रयाग विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है, इसे नदियों में बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 18.7। आइए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसे 20 से 2 बराबर भागों में काटिए। इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए। इसमें भीतर कागज के नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए। इसके ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिछाइए। अब इस फिल्टर पर गंदला जल उड़ेली फिल्टरित जल का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों, अध्यापकों पर के साथ चर्चा कर सकते हैं। पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? हमें अपने घर में उपयोग होने वाला पीने का जल आप कैसे प्राप्त करते हैं? यदि हम प्रदूषित जल पिए हैं तो क्या होगा? बूजो बहुत परेशान है। वह पहली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह दिखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी वह बीमार हो गया। पहली स्पष्ट करती है कि दिखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोग वाहक सूक्ष्मजीव अथवा घुले हुए अवयव हो सकते हैं। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? पेयजल। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं।
क्या आप जानते हैं संसार की 20-25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता है, यानी कि शुद्ध जल नहीं मिलता है। आइए देखते हैं जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है। आप यह देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल की उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। क्या किया जा सकता है? क्रियाकलाप 18.8। पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने के जल के स्रोतों तथा वाहितमल जल के व्यय की विधियों के आंकड़े एकत्रित किए। समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं? इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को कौन कौन सी हैं? जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए? आगे चलते हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों अथवा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर में निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त करना, उपयोग करना, यानी कि फाइबर हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए, आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं? धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल को कि पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रहेगी, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्वों की अनुभूति नहीं करते हैं तथा पर्यावरण हितैषी क्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते हैं, तो हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। जल का उपचार संयंत्र, देखिए, क्या आप जानते हैं जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाते हैं। जिस नल से प्रति सेकंड एक एक बूंद जल टपकता है, उस नल में एक वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए। तो इस अध्याय में क्या क्या देखा है? वायु प्रदूषण के बारे में जाना है, रासायनिक संदूषण के बारे में जाना है, विश्व उष्णन के बारे में जाना है, पौधा घर प्रभाव के बारे में जाना है, प्रदूषक के बारे में जाना है, पेयजल के बारे में जाना है, जल प्रदूषण के बारे में जाना है। क्या सीखा है इसमें? वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव एवं निर्जीव दोनों पर हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। CO2 जैसी पौधागत गैसों के बढ़ते स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण। वाहित मल, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल प्रदूषक हैं। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संचारण के उपाय सीखने चाहिए। ये आपके इसी अध्याय से संबंधित अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं और PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके रख लें। और जब भी अगर लगता है कि नहीं समझ में आया तो एक बार उससे जरूर पढ़ लें, ठीक है, और निकल जाए। ये आपकी कुछ परिभाषित शब्दावली है, इन्हें देख लेना, ठीक।
या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अच्छा रहेगा। जैसे अंग, ऑर्गन मतलब अंग होता है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा, टिश्यू, ऊतक, लेड, एलईडी, लेड, आंतरिक निषेचन, निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टाइम आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, ईंधन फ्यूल, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, ऑर्बिट कक्षा हो गई, कोक, कोल हो गया, कोल, कोयला, कोल गैस, जीन, बैक्टीरिया, जीवाश्म, बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी, जैव विविधता, एलिमेंट, तत्व हो गए, ठीक है, प्लेटनेस ग्रह हो गए आपकी, दाब, प्रेशर, दाब, कंडक्टर, चालक, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, मेटल, धातु, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, क्रॉप, फसल, एटम, परमाणु, फोर्स बल, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकी, बैल, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ईस्ट, जायगोट, रायोबीरियम, विकास वर्ष यानी कि लाइट ईयर, प्लास्टिक, नेशनल पार्क हो गया, रोड्स हो गए, स्पर्म हो गए, विंड पाइप, या आपका फ्लोरा, ठीक है, कॉर्निया हो गया, वाइक्स बॉक्स हो गया, कॉन्स यानी कि शंकु। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की विज्ञान, ठीक है। तो कक्षा 6वीं में हमें 4 बुक्स जो पढ़नी थी हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 7वीं की भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 8वीं की भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कल से हम लोग कक्षा 9वीं की जो भी बुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है।